श्रीराम विद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम विषय गणित के अंतर्गत चैप्टर हमारा चलेगा वैदिक गणित। इस वैदिक गणित के अंतर्गत हम एकाधिक, एक न्यून, परम मित्र, निखिल अंक और चरम अंक के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं वैदिक गणित को, आज हम हमारे सिलेबस के अनुसार कक्षा 5 के अंतर्गत क्या दिया है वह हम जानेंगे। एक बार पहले हम रिवीजन कर लें जो हमारे चैप्टर में दिया है। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। एकाधिक, जैसा इसका नाम है एक अधिक, यानी इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे हिंदी के अनुसार तो क्या है, एक अधिक। कितना अधिक? एक अधिक। तो इसका अर्थ है एक अधिक। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई एक अंक ले लेते हैं, कोई एक अंक ले लिया हमने सात, सात का एक अधिक, सात का एक अधिक अंक लिया हमने सात, सात एक अधिक का निशान जैसा आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कौन सा होता है? एक बिंदु, एक पॉइंट अंक के ऊपर, अंक के ऊपर। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक बिंदु अंक के ऊपर। तो जैसे ही हमने एक बिंदु ऊपर लगाया तो ये एक अधिक हो गया। सात के ऊपर हम जब एक बिंदु लगाते हैं इसका मतलब क्या है? एक अधिक का निशान है। किसका निशान है? एक अधिक का, सात का एक अधिक, एक अधिक। कैसे? सात प्लस एक, यानी एक उसमें आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा? आठ। यानी अंक सात का एक अधिक कितना होता है? आठ। निशान ये हो गया। नेक्स्ट, एक न्यून, न्यून का मतलब कम, एक कम, एक न्यून का मतलब एक कम। ठीक है, इसको भी ये हम उदाहरण से समझे। कोई भी एक अंक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया छह, छह का एक न्यून, छह का एक न्यून, छह एक न्यून का निशान लगाए आप, ये जो बिंदु लगेगा वो इसमें कहां लगेगा? जस्ट इसके नीचे, अधिक का ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक न्यून, यानी एक कम। छह में से आप एक कम कर दीजिए, ये एक घटा दीजिए, कितना है? पांच। ये हो गया आपका छह का एक न्यून, कितना? पांच। नेक्स्ट, एक अधिक पूर्वेण, एक अधिक पूर्वेण, यानी अधिक तो है एक लेकिन किसका? पूर्व का, पूर्व वाले अंक में एक अधिक। जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया 16 में, एक संख्या ले ली हमने 16 में, अंक 6 का एक अधिक पूर्वेण करना है। अंक कौन सा है? 6। संख्या कौन सी? 16। ये हमने लिखा 16, अंक 6 एकाधिक पूर्वेण, तो 6 के पूर्व यानी पहले कौन सा अंक है? एक। तो इस पर एकाधिक का निशान लगा दीजिए, लगा दिया। जैसे ही हमने एक पर एकाधिक का निशान लगाया, एक बिंदु लग, अब आप इसको क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? तो एक क्या बन गया? दो, एक अधिक हो गया।
दो और ये छह, छब्बीस। यानी संख्या 16 थी उसमें अंक छह के पूर्वेण का एक अधिक पूर्वेण जब हमने किया तो कितना आया, 26। ठीक है। नेक्स्ट, एक न्यूनेन पूर्वेण का अर्थ, एक न्यूनेन पूर्वेण का अर्थ करिए। इसको भी आप उदाहरण से समझें। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली 421, ये संख्या ले ली, इसमें अंक आप ले लीजिए दो का, क्या करना है, एक न्यूनतम पूर्वेण का, एक न्यूनतम पूर्वेण। संख्या हमारे पास 421, अंक है दो, इसका हमें, इसकी जो पूर्व वाला अंक है उसका हमें न्यून करना है। तो दो के पूर्व वाला अंक कौन सा है, चार। इसके नीचे हमने एक न्यून का निशान लगाया। जैसे ही हमने एक न्यून का निशान लगाया तो चार और इसके नीचे जो बिंदु उसको हम पढ़ेंगे, चार में एक कम, एक कम का मतलब तीन। अब आप नई संख्या प्राप्त होगी आपको कौन सी, इसका तो कितना हो गया तीन और ये 21, 321। ठीक है। यानी संख्या 421 थी, दो अंक दो का हमने एक न्यूनतम पूर्वण किया तो हमें नई संख्या प्राप्त हो गई 321। नेक्स्ट, परम मित्र, जैसा इसका नाम है परम मित्र या पूरक अंक, परम मित्र या पूरक अंक, ये क्या होते हैं, जब दो अंक जिनका योग 10 हो जाए तो वे अंक आपस में एक दूसरे के परम मित्र या पूरक अंक कहलाते हैं। जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे दोनों अंक परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक या परम मित्र। इसको भी आप समझें। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए अंक और ये परम मित्र अंक, परम मित्र अंक। सबसे पहले हम लिख रहे हैं अंक, अंक शुरू कीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये अंक हो गए हमारे पास। अब इनके हमें क्या निकालने, परम मित्र या पूरक अंक। क्या कहती है परिभाषा, कि जब दो अंकों का योग कितना हो जाता है 10। तो आप यहां पर आप देखिए, चाहे तो आप पीछे से ट्रिक, ट्रिक क्या कहती है, पीछे से आ जाइए, आगे से भी कर सकते हैं, यहां से करिए। जब 9 में हम कितना जोड़ेंगे, एक, तो कितना हो गया 10, इसमें कितना 2, 3, 4, 5 में 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो यानी इनके परम मित्र अंक हो गए। अब यहां पर मैंने एक संख्या लिखी है कितने, 0, तो 0 में हम कौन सा अंक जोड़ें कि इसका योग हो जाए 10, तो वह संख्या कौन सी होगी, 10 ही होगी। ठीक है, तो ये जो अंक हैं ये इन अंकों के क्या हैं, परम मित्र अंक। कब, जब हमने इनमें क्या किया है, जोड़ा है, तो योग कितना प्राप्त हुआ है हमारे पास 10। ठीक, एक का परम मित्र 9, दो का 8, ऐसे। नेक्स्ट, चरम अंक तथा निखिलम अंक। चरम अंक किसे कहते हैं,
और निखिल अमाउंट किसे कहते हैं? किसी संख्या का, कोई भी संख्या, चर अमाउंट उसका इकाई अंक होता है। किसी भी संख्या में यदि इकाई अंक जो है वो हमेशा हमेशा चर अमाउंट, और बाकी जितने भी अंक बच गए जो शेष, वो सारे अंक कौन से होते हैं? निखिलम अंक। इसका भी आप उदाहरण देखें, जैसे एक संख्या लिख ली हमने, सात सौ चौवालीस, हमने संख्या लिखी 744। अब इसमें हमें ज्ञात करना है चरम अंक और निखिलम अंक। तो चरम अंक यानी उसका इकाई का, निखिलम अंक यानी शेष जितने भी बचे, तो इकाई कौन सा है? चार। तो ये तो हो गया चरम अंक, और बाकी बचे कौन से? चार और सात, ये हो गए इसके निखिलम अंक। चार ये तो क्या है? चरम अंक। और बाकी जो ये दोनों बचे हैं ये क्या हैं? निखिलम अंक। ठीक है, चरम अंक और निखिलम अंक। ठीक है, अब एक बार दोबारा समझ लीजिए, एकाधिक एक न्यून, एकाधिक पूर्वेण और एक न्यून पूर्वेण। उसके बाद हमने समझा परम मित्र अंक कौन से होते हैं और परम मित्र अंक कैसे ज्ञात करते हैं, साथ ही चरम अंक और निखिलम अंक। इन पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे चैप्टर में, तो हम उनको सभी को, जिस विद्यार्थियों को समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।